तो दोस्तों, क्या आप लोग भी इसी तरीके के फुली रैंडम नंबर्स मारना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहे। तो आज मैं आप लोगों को हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यारो। अगर आपको भी खतरनाक वन टैप मारना है तो इसके लिए बेसिकली आपको चार मेन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है करेक्टर स्किल। करेक्टर स्किल में आपको दासा करेक्टर को यूज करना है, क्योंकि उसकी एबिलिटी है एक्यूरेसी को इंक्रीज करना, और ये आपके रिकॉइल को घटाएगी और आपका एम ज्यादा परफेक्ट होगा इससे। तो आप दासा करेक्टर को जरूर से यूज करें। मैं पर्सनली भी दासा को यूज करता हूँ, क्योंकि ये एक पैसिव स्किल करेक्टर है एंड मैं इसको आलोक स्कालर किसी के भी साथ यूज कर सकता हूँ। एंड सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी सेंसिटिविटी। अगर आपका फोन 4GB या 6GB रैम का है तो आप अपनी सेंसिटिविटी को फुली 100 कर दो। एंड अगर आपका फोन 3GB रैम या 2GB रैम का है तो आप अपने जनरल को 80 के अराउंड रखो, एंड देन रेड डॉट को आप 21 के अराउंड रखो, ठीक। और हाँ, आपको ट्राई करना है कि स्मूथ पे ना खेलो, आप स्टैंडर्ड पे या फिर अल्ट्रा पर खेलो, वो भी हाई FPS पे। और थर्ड आती है हमारी फायर बटन। फायर बटन में आपको फायर बटन को हमेशा लोकेट करना है नीचे की तरफ, जिससे कि आपको ज्यादा स्पेस मिले ड्रैग करने के लिए। एंड अगर जब आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा ड्रैग करने के लिए, आप जल्दी स्पीड में कर सकते हो ड्रैग, जिससे कि बंदा को वन टैप लेने का चांस इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको भी वन टैप मारना है तो आपको गन स्विचिंग की स्पीड को बढ़ाना होगा, एंड ग्लोबल वाले बटन को एंड रनिंग बटन वगैरह को आपको बराबर रखना होगा। और फोर्थ चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी ड्रैग स्टाइल। आपको रोटेशन ड्रैग करना है जब कोई बंदा क्लोज में हो, वन टैप मारने के लिए आपको रोटेशन ड्रैग करना है, एंड जब बंदा लॉन्ग रेंज में हो तब वन टैप मारने के लिए आपको स्ट्रेट ड्रैग या फिर नॉर्मल ड्रैग करना है।